आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा तथा लोकसभा उपचुनाव 2020 का नामांकन चालू है और इसी बीच रामनगर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी अवध किशोर राम के द्वारा अपने नाम निशन कराया गया। अवध किशोर राम जी का कहना है कि मैं पैसे से अमीन हूं और अपने रामनगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जमीनी विवाद है जिस पर ना ही कोई प्रशासन ना ही सरकार का ध्यान जाता है, जिससे कि आए दिन यह देखने को मिलता है कि जमीनी विवाद में झगड़ा लड़ाई कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हमारे क्षेत्र के किसान बंधु हमेशा लगे रहते हैं, जिससे कि उनका आर्थिक क्षति होता है। रामनगर से भाजपा प्रत्याशी भागीरथी देवी 10 सालों से रामनगर विधानसभा पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं, लेकिन क्षेत्रवासियों से पूछे तो विकास के नाम पर जीरो है, जिससे कि आए दिन किसी न किसी गांव में भागीरथी देवी को विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ जनता ने उनको ताज पहनाया उसी के साथ धोखा किया जा रहा है। हमारे भोले भाले जनता को जात पात के नाम पर भरमाया जा रहा है, लेकिन अब जनता भी होशियार हो गई है और अपने मतों अधिकार से वैसे नेताओं को सबक सिखाने का काम करेगी। अगर जिस अनुसार से हमको जनता का प्रेम भाव मिल रहा है, अगर रामनगर विधानसभा क्षेत्र से मैं विधायक बना तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी जमीनी विवाद को समाप्त करना होगा। हर खेत में पानी पहुंचाना, हर गांव को सड़क से जोड़ना, स्वास्थ्य व्यवस्था तथा शिक्षा का व्यवस्था सुधीर करना होगा। रामनगर से रंजीत कुमार पांडे की रिपोर्ट। अभी देखा गया सर कि आप विधानसभा चुनाव में नामिनेशन करने जा रहे हैं, तो आप क्या किसी सिंबल से हैं? जी नहीं सर। और आप कैसे निर्णय ले लिए आप विधायक के नामिनेशन के लिए? हमारे क्षेत्र के किसान लोग के जमीनी विवाद बहुत था, अभी बहुत है, तो हम जमीनी विवाद से आदमी बिलोंग करता है, सभी लोग यही किए खड़ा हुए आपको मदद करेंगे, ताकि आप नज़दीकी हैं, नियरली हैं, हमारी सारे समस्या को सुनेंगे। एक नरकटिया आज विधायक हैं, जहाँ जाना पड़ता तो भेंट नहीं होता है, इसलिए अब उतना वो तेतराज है नहीं, आप सबसे तेतराज हैं, बढ़िया हैं, सभी लोग से संपर्क हैं, आप पूरा फील्डिंग करते हैं, घूमते हैं, लोग बात सुनते हैं, इसीलिए सभी लोग हमको ये किए कि आप खड़ा किए विधायक में और अब हम लोग आप लोग मदद करेंगे ताकि हम लोग की समस्या हल हो सके। तो आप निर्दलीय अभी नामिनेशन किए जा रहे हैं? जी, मैं निर्दलीय से हूँ। और आपका इस चुनाव काल में अगर आप जीत जाते हैं तो आपका प्रथम जो है कि मुद्दा क्या रहेगा? एक नंबर मेरा रहेगा जमीनी विवाद, उसको निपटारा करूँगा। जहाँ जहाँ से जमीन कहीं के ऐसा लोग है जो रसीद कटाते हैं और एक्वायरमेंट जमीन नहीं है, उसको दखल कब्जा दिलाएंगे। आप पेशा से भी अमीन रह चुके हैं, अमीन हैं जी जी, तो आप भली भांति जान रहे होंगे जमीन के बारे में, आपको नॉलेज मिल रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अवध किशोर राम। घर? घर पसौनी, बकरी बाजार पसौनी, पोस्ट बकरी, थाना गोबर थाना। ये पूरा जनता आपके विधानसभा का आपके साथ में? जी, टोटल लोग मेरे पीछे हैं। हमारा नेता कैसा हो? राम जैसा हो। हमारा नेता